रविवार की रात गुलरिया थाना के अंतर्गत पड़ने वाले हरसेवकपुर नंबर 2 चौहान टोला में उसी रात दो दोस्तों के बीच विवाद हो गया और शराब के नशे में एक दोस्त ने दूसरे को गोली मार दी। खून से लथपथ युवक को हत्यारे मित्र ने ही इलाज के लिए चार पहिया वाहन से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हम आपको बताते चले कि रविवार की रात में ही गांव के किसी एक व्यक्ति द्वारा 100 नंबर पर सूचना दिए जाने पर पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी, सीओ चौरीचौरा, एसओ गुलरिया, इंस्पेक्टर शाहपुर घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन करनी शुरू कर दी। हत्यारे मित्र व उसके परिजन रात से ही फरार थे। इस संदर्भ में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने कहा कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है, बाकी अभियुक्तों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। उन्होंने इस संदर्भ में आगे जानकारी देते हुए बताया के अंदर परसों रात में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, संदीप चौहान नाम के व्यक्ति। इस घटना के अंदर घर वालों ने दो लोगों को नामजद किया गया था। अभी उसमें से एक नामजद जो है संदीप चौहान जो है उसको गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जा रही है और जो दूसरा साथी है उसका भी शीघ्र गिरफ्तारी का प्रयास है। क्या निकल गया है अभी इनसे, जस्ट अभी गिरफ्तार हुआ है, अभी पूछताछ इससे जस्ट चालू करी है और ये पूर्व में ही परिचित एक दूसरे को जानते रहे हैं। अब इनके पास असला कहां से आया और उस असले से कैसे घटना हुई ये पूछताछ के बाद हम आपको क्लियर करेंगे।